हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ, एक अनबॉक्सिंग ही समझ लीजिए। अनबॉक्सिंग तो क्या ही करनी, मैं हमेशा ऐसे ही खोल देता हूँ सारी चीज़ें और यूज़ करने के बाद ही आपको रिव्यू उसके देता हूँ, ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ना पड़े। जैसे कि अगर कुछ मुझे दिक्कत आती है तो आपको भी वो दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो ये है कि जो मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ के बारे में वीडियो बनानी चाहिए। ये है एक हमारा वेपराइज़र, ठीक है, वेपराइज़र है। ये आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है वेपराइज़र। ये 400 से 500 रुपए तक का मिल जाएगा, आप लोकल मार्केट में जाएंगे तो शायद 300 का भी आपको मिल जाए। तो ये वेपराइज़र है, इस पर मैंने वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि आज का जो टाइम चल रहा है कोविड का टाइम, इसके टाइम पर अगर आपको कोई भी अगर सर्दी से रिलेटेड कोई भी होता है, निमोनिया होता है सीवियर या फिर नॉर्मल भी होता है, तो भी आपके लिए ये चीज़ बहुत ही काम आने वाली है। तो जी वेपराइज़र ये किस मतलब प्रिंसिपल पर काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए वेपराइज़र ऐसा आता है, ये एक बॉक्स टाइप का आएगा, ये होगा हमारा मग्गा हो गया या कप हो गया, जिस जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है। इसमें इसको यहाँ तक फिल करते हैं पानी। और पहली बात यहाँ पे सबसे आपको जानना जरूरी है कि इसमें भी लिखा रहता है बॉक्स के ऊपर भी कि आपको जिसमें पानी डालना है तो वो पानी आपको होना चाहिए टैप वाटर, ठीक है। वरना जो होता है ना, आपने पढ़ा होगा बचपन में कि करंट पासेस थ्रू अ डिस्टिल्ड वाटर, ऐसा कुछ मैं नहीं पढ़ा था, मैं भूल चुका हूँ। लेकिन उसके लिए जो अंदर अणु होते हैं, जो पानी के जो अणु होते हैं, वो टैप वाटर में ही होते हैं और उससे ही करंट पास हो सकता है। जैसे आप आरओ का वाटर डालेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। और दूसरी चीज़ बहुत बहुत ही नॉर्मल चीज़ होती है, अंदर एक कॉइल रहती है, आपको यहाँ से दिख नहीं रही होगी लेकिन मुझे दिख रही है, यहाँ पे एक सिर्फ एक कॉइल रहती है। सिंपल सा मैकेनिज्म है, ये वायर है, ठीक है। ये वेपराइज़र वायर वाला होता है, ऐसा नहीं है जो कि आपने पानी उबाल दिया बस रख दिया फिर उसी से आप कैप्सूल ले रहे हैं या फिर उससे ही वेपर्स ले रहे हैं, नहीं। ये बहुत ही अच्छा, इसे डायरेक्ट लगातार वेपर्स आती रहती हैं। तो इसको आपको बॉक्स को बंद कर देना है, ठीक है। इसके अंदर पानी रहेगा आपका, ऐसा टैंक जैसा दिख रहा है ये। तो ये आपका पूरा ये सिस्टम है, ठीक है। और मैं इसका आगे का बताता हूँ। इसमें कुछ दिए गए हैं, अटैचमेंट्स दिए गए हैं जो कि आप इसको ऊपर लगा सकते हैं। जैसे कि ये अटैचमेंट आप इसको ऊपर लाएंगे तो इससे वेपर्स ऐसे ऐसे करके जाएंगे, मतलब इससे अच्छे वेपर्स आते हैं। और वेपर लेने के लिए कई सारे डॉक्टर्स ने भी सलाह देते हैं कि अगर आपको सर्दी जुकाम है या फिर आपको निमोनिया टाइप की कोई शिकायत है तो आप वेपर ज़रूर लें। तो कई लोग क्या करते हैं कि वेपर लेने के लिए एक पानी उबाल लेंगे फिर उसको एक मग्गे में डाल देंगे फिर उससे वेपर्स लेंगे, तो उससे इतना प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि उससे जो वेपर्स बनते हैं वो बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं एयर में। लेकिन इससे जो वेपर्स बनते हैं ये लगातार बनते रहते हैं, जब तक आप इसको चालू रखेंगे तब तक इसके वेपर्स बनते रहेंगे और बहुत ही डेंस वेपर्स बनते हैं। ये देखिए इसका एक कप है, आप इसको कप में ऐसे ऐसे मुंह में लगा के इसको ले सकते हैं, इससे भाप इतनी नहीं आती, इससे डिसिपेट हो जाती है काफ़ी, ठीक है। और इससे सीधी सीधी जो आपका जो वेपर्स बनेंगे वो आपके सीधे नाक में जाएंगे। लेकिन हाँ, इससे एक चीज़ हो सकती है कि आपके नाक के बाल जल सकते हैं अगर आपने इसको ज़्यादा ही नाक में ले लिया, क्योंकि इसके बहुत ही मतलब तगड़े वेपर बनते हैं। तो आइए अभी आगे मैं वीडियो में बता देता हूँ कि किस तरह से वर्क करता है और इसके वेपर्स जो हैं किस तरह से बनते हैं। तो गाइस, इसमें तीन अटैचमेंट्स दिए गए हैं। ये एक इसका पहला अटैचमेंट है, ये इसका दूसरा अटैचमेंट है और ये वाला इसका तीसरा अटैचमेंट है। तो ये मतलब ये नोज़ को क्लोज करके इससे आप स्टीम ले सकते हैं। इस अटैचमेंट का यूज़ करके आप मतलब जैसे बाउल रखा है इस टाइप का अटैचमेंट है ये, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा जो ये अटैचमेंट है, इससे क्या है, यहाँ से इस होल से ऐसे स्टीम आएगी बाहर जैसे हम इसको चालू करेंगे। जैसे मैंने थोड़ा इसको चालू करके देख लिया है, मैं आपको फिर से इसको चालू करके बताता हूँ कि किस तरह से काम करता है। बस आपको इस ये जो ढक्कन है, इसको जो कप है इसमें आपको इसको फिट करना है, ओके। और इस वाला ढक्कन को भी इसके ऊपर फिट करना है, ठीक। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आपको इसको अच्छे से बस फिट करके रखना है। तो मैं इसको बताता हूँ इसको कैसे यूज़ करना है। इसको आप अपने नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी दीजिए, ठीक है। और हाँ, इस बात को जरूर ध्यान रखिए इसमें यूज़ कीजिएगा टैप वाटर, बिकॉज इसमें भी लिखा हुआ है, बॉक्स में भी सब लिखा हुआ है। तो मैंने बटन ऑन कर दिया है, अब देखते हैं इसे स्टीम कितनी तरह बनती है। मैनुअल के हिसाब से इसमें 30 सेकंड में ही स्टीम बनना चालू हो जाती है और ये स्टीम आप इसको आराम से इनहेल कर सकते हैं। तो देखिए आपको दिख रही होगी अगर स्टीम, ये देखिए मैं बताता हूँ, काफ़ी बढ़िया स्टीम बन रही है। ये देखिए इतनी ऊंची तक स्टीम जा रही है और काफ़ी मेरे को महसूस भी हो रहा है, हाथ में ही मेरे को महसूस हो रहा है कि लगातार ये स्टीम बना रहा है। ये देखिए तो एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इससे आप लगातार अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर सर्दी वगैरह है, ठीक है, तो आप इसे स्टीम ले सकते हैं। डॉक्टर ने आपको स्टीम लेने के लिए बोला था, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, मुझे तो बहुत बढ़िया लगी। तो आपके ये लोकल मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, मैंने भी लोकल मार्केट से ही लिया था, तो ऑनलाइन लिंक वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो और कैसा लगा आपको ये प्रोडक्ट, ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है स्टीम वगैरह लेने के लिए।
तो सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू ऑल.